तो आप भी अपने फाइल मैनेजर में कोई भी फोटो को डिलीट करके रखा हुआ है, कोई भी वीडियो को इधर से डिलीट करके रखा हुआ है, तो देखिए कि आप कैसे उससे रिकवर कैसे कर सकते हो। इसमें आपको इधर देखिए देखने को मिल जाएगा डिलीट के वीडियो को या फोटो को कैसे वापस ला सकते हो, इसमें आपको इधर देखिए सीखने को मिल जाएगा। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। तो चले बिना टाइम वेस्ट के इधर से वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपको इधर से देखिए डिलीट किए हुए फोटो या वीडियो को वापस लाने के लिए अपने फाइल मैनेजर से, तो इसके लिए देखिए आपको इधर सिंपल देखिए क्या करना पड़ेगा, फाइल मैनेजर को इधर से ओपन कर देना। आपका मोबाइल कोई भी हो सकता है, तो एग्जांपल के लिए दिखाने के लिए मैं इधर से फाइल मैनेजर को ओपन कर लेता हूँ और मैं आपको उधर डिलीट करके भी मैं आपको उधर दिखा देता हूँ। तो एग्जाम्पल के लिए इधर से देख सकते हो, इधर देखिए फोटोज़ भी आ जाएंगे आपके और सारे आपके वीडियोस भी आपको उधर देखने को मिल जाएगा, म्यूजिक भी आ जाएंगे, सारे आपको उधर देखने को मिल जाएगा। तो इधर से देखिए मैं आपको एग्जांपल के लिए दिखाने के लिए मैं क्या कर रहता हूँ, इधर से फोटो को डिलीट करके मैं आपको इधर दिखा देता हूँ। तो इधर से देखिए मैं क्या कर लेता हूँ, एक चार फोटोज़ को मैं इधर से डिलीट करके मैं आपको इधर दिखा देता हूँ। तो जैसे कि देख सकते हो ये चार वाल पेपर्स है, तो इधर से मैं सिंपल तरीके से डिलीट कर लेता हूँ। तो डिलीट करने के बाद जैसे कि देख सकते हो इधर से अभी डिलीट हो चुके हैं, वैसे इधर से देखिए मैं वीडियो को डिलीट करना चाहता हूँ, वीडियो को भी डिलीट करके मैं आपको इधर दिखा देता हूँ। तो इधर से मैं क्या कर लेता हूँ, एक कोई ना कोई वीडियो को इधर से डिलीट कर लेता हूँ। तो इधर से देखिए एक वीडियो मैं ले लेता हूँ, मेरा ही एक रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो को मैं ले लेता हूँ, डिलीट कर लेता हूँ। तो डिलीट करने के बाद देख सकते हो तो आप ये डिलीट करते होंगे, तो डिलीट करने के बाद देखिए आपको इधर 30 डेज़ का टाइम मिलता है। 30 डेज़ के अंदर या देखिए 30 दिन के पहले आप क्या कर सकते हो, अपना कोई भी इधर से फोटो या वीडियो को डिलीट करके रखा हुआ है तो उसे देखिए रिस्टोर कर सकते हो, रिकवर कर सकते हो, फिर से अपने फ़ोन में ला सकते हो। 30 डेज़ के बाद देखिए ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा, आप कुछ भी इधर से नहीं कर सकते हो। तो इधर देखिए डिलीट किए हुए फोटो वीडियो को आपको उधर वापस लाने के लिए रिस्टोर करने के लिए वैसे ही नीचे आओगे तो आपको इधर से देखने को मिल जाएगा रिसेंटली डिलीटेड करके। तो इधर से देखिए आप कोई भी डिलीट करते हो अपने फाइल मैनेजर में, फोटो हो सकता है, वीडियो हो सकता है, ऑडियो हो सकता है, वो देखिए रिसेंट में डिलीटेड में आ जाएगा। वो देखिए 30 डेज़ तक रहता है, 30 डेज़ के बाद ऑटोमेटिकली वो डिलीट हो जाएगा परमानेंटली। तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है, रिसेंटली डिलीट के ऊपर क्लिक करने के बाद देखिए आप 30 डेज़ में देखिए आप कितनी इधर से डिलीट करके रखा हुआ है लास्ट 30 डेज़ में, उधर देखिए सारे आपको उधर देखने को मिल जाएगा, उनका इधर देखिए टाइम पे आ जाएगा। जैसे कि देख सकते हो 30 डेज़ रिमेनिंग करके आपको उधर देखने को मिल जाएगा उसके आगे। तो आप देखिए इधर से कौन सा आपका इधर फोटो हो सकता है, वीडियो हो सकता है, देखिए आप इधर से रिस्टोर करना चाहते हो, फिर से लाना चाहते हो, तो आपको उधर देखिए उनको सेलेक्ट कर देने या देखिए आप ऊपर से ही इसके पर क्लिक करके ऑल सेलेक्ट कर सकते हो। तो ऑल सेलेक्ट करने के बाद आपको उधर सेंटर में आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा रिकवर करके, तो आपको इसके ऊपर क्लिक करके रिकवर ऑल आइटम्स के ऊपर क्लिक करोगे तो देखिए ऑटोमेटिकली रिकवर हो जाएगा और आपके फ़ोन में भी आ जाएगा। एग्जांपल के लिए मैं आपको उधर दिखाने के लिए डिलीट करके रखा हुआ था डाउनलोड्स में जाके, उधर देखिए सारे इधर से मेरे वाल पेपर्स आपको उधर देखने को मिल जाएंगे, वैसे भी वीडियो भी आ जाएगा। अब देखिए मैं आपको उधर एक बात बता देता हूँ, इधर से देखिए कोई भी इधर से डिलीट करते हो फोटो वीडियो, वो देखिए गैलरी में जाके आप उधर से देखिए डिलीटेड में जाओगे तो उधर आपको उधर देखने को नहीं मिलेगा। तो आप इधर से देखिए आप फाइल मैनेजर में डिलीट करते हो तो फाइल मैनेजर में इधर से आपको ऑप्शन आ जाएगा रिसेंटली डिलीटेड करके, तो इधर जाके आप देखिए रिस्टोर कर सकते हो या रिकवर कर सकते हो, फिर से अपने मोबाइल में ला सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको उधर देखिए वीडियो पसंद आएगा, तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो आप जो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, उस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करने की वो भी मेरी तरफ से मैं पूरी कोशिश करूँगा। तो चलिए मैं मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय और जय हिंद दोस्तों।